स्वागत है अभिवादी कुकिंग में। आज की रेसिपी चिकन ड्रमस्टिक, वो भी इटालियन सीजनिंग के साथ, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट। चलो शुरू करते हैं चिकन ड्रमस्टिक बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं चिकन ड्रमस्टिक। सबसे पहले हम मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे मिक्स हर्ब, ऑनियन फ्लेक्स, ड्राई बेसिल लीव्स, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो हम काश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा मैरिनेशन का मसाला तैयार है, जिसमें हम चिकन लेग पीसेस को मैरिनेट करेंगे। और चिकन लेग पीसेस को धोने के बाद इस तरह से बीच बीच में हम कट देंगे दोनों तरफ। कट देने से जो मसाला है अंदर तक चला जाता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। उसके बाद सबसे पहले हम नमक डालेंगे, नमक के बाद काली मिर्च दरदरी पिसी हुई डालेंगे और इसके ऊपर हम नींबू निचोड़ देंगे चारों लेग पीसेस के ऊपर, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोटिंग करेंगे। और उसके बाद जो हमने मसाला तैयार करा था ड्राई मसाला मैरिनेशन का, वो डालेंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा और डालने के बाद हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे जितने हमने कट दिए, ताकि मसाला इनके अंदर तक चले जाए। अंदर तक जाएगा तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। गर्म होने पर मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। हम अपने सारे लेग पीसेस इसको नॉनस्टिक जो गर्म हमने कुकिंग ऑयल करा उसके ऊपर रख देंगे। एकदम हम इसको नहीं पलटेंगे, तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसको सेक लेंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने से बहुत बढ़िया जूसी मॉइस्चर की वजह से ये लेग पीसेस जूसी और क्रिस्पी बनते हैं, ड्राई नहीं होते हैं। बहुत ही बढ़िया 15 मिनट के अंदर हमारे ड्रमस्टिक बनकर तैयार है और बहुत बढ़िया हर्ब का फ्लेवर के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, आप किस तरह बनाते हैं चिकन लेग पीस मेरे को बताना। क्रिस्पी इटालियन चिकन ड्रमस्टिक बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे हर्ब्स की खुशबू आ रही है, साथ में हमने प्याज की कॉम्बिनेशन और हरी चटनी की कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो इसका स्वाद जो और भी दुगना हो जाता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत बढ़िया बनेंगे चिकन ड्रमस्टिक। बढ़िया बने तो हर बार की तरह कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स तो बनता ही है। धन्यवाद।